हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबीना सिद्दीकी फैमिली एंड फूड ब्लॉग। तो आज बनाने जा रहे हैं छोले और पूरी। छोले और पूरी, तो ये है मैदा, 1 किलो मैदा है। इसमें थोड़ा टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे भून के आटा बना के रखते, खस्ता आटा बनाना, ज़्यादा ना टाइट ना ज़्यादा, ऐसा पूरा ऐसा टाइट होना चाहिए। मिलते हो आटा गूंदने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आटा गूंद के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं ऐसा सॉफ्ट आटा गूंदने का। ऐसे हार्ड भी गूंद सकते हैं, लेकिन मेरे से सॉफ्ट हो गया, तो अभी सॉफ्ट आटा भी गूंद सकते हैं। इसकी पूरी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे छोले हैं और ये राजमा है। आज थोड़ा यूनिक तरीके से हम लोग बनाएंगे चना छोले राजमा। इसे पूरी रात ओवरनाइट भिगा दिए थे, अब इसे बनाएंगे हम। मसाले में जाएगा 3 टमाटर, यहाँ पे 3 टमाटर, इसका प्योरी बनाएंगे हम लोग पेस्ट। मसाले में डालेंगे लहसुन, हरी मिर्ची और यहाँ पे लाल मिर्च और बाकी मसाले डालेंगे अभी इसमें। तीखा ज़्यादा, इसमें 4 लाल मिर्च डालेंगे ताकि तीखा ज़्यादा ना हो। और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें और साथ ही धनिया पाउडर भी डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और ये एवरेज का छोले मसाले है, इसे भी डालेंगे हम छोले में। इसे बहुत ही टेस्टी और जायकेदार टेस्टी चना मसाला बनता है। भगाने के लिए प्याज और पर सजाने के लिए थोड़ी सी कोटमीर डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा हल्का पानी डालेंगे, मसाला अच्छा बारीक पेस्ट बनाएंगे। अभी टमाटर का पेस्ट बनाएंगे इसका भी।
हमारे पास पक चुके हैं। अब इसको देखें, गला के नींबू गर्म बहुत है, बहुत गर्म है। नहीं गला, नहीं गला, थोड़ा और गलेगा। और यहाँ पे हमारी पूड़ी बन रही है, देखिए। अब इसे फ्राई करेंगे गरम गरम तेल में। इसी तरह लोई, इसी तरह लोई बना के रखेंगे। और यहाँ पे एक और पूड़ी में बनवा के बता दूँ, फिर पूरा बनने के बाद आपको बताया जाएगा। और ऐसे पूड़ी तल के हो जाएगा, रहेगा ऐसे खस्ता। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा छोले पूरी रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप क्या खुशबू आ रही है, कितना टेस्टी।